अभी तो हम लोग गौतम बुद्ध टेंपल पहुंचे ही नहीं कि उससे पहले हम लोगों को पुलिस वाले ने पकड़ लिया। पहला ही दिन फुकेट का है एंड हम लोग अभी कैरोन जो कि यहाँ का एक जगह है वहाँ के पुलिस स्टेशन पर जा रहे हैं बिकॉज हम लोगों के साथ एक बहुत बुरी चीज हुई। अभी हम लोग बजट में ब्लॉग बना रहे थे और क्या हो गया। सो वी हैव रीच टू आर फर्स्ट डेस्टिनेशन जो कि है बिग बुद्धा टेम्पल एंड इधर बहुत सारे लोग यहाँ पर बच्चे भी आए हुए हैं जो कि यहाँ पर फीड करवा रहे हैं एलिफेंट को, मतलब बनाना वगैरह खिला रहे हैं। जो वॉट चलोंग टेम्पल है ये चलोंग सब डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ऑफ फुकेट एंड ये दो मॉन्ग को डेडिकेट किया गया है। वॉट चलोंग से निकलने के बाद हम लोग आ गए थे सीधा सिमोन द कैबरेट शो देखने के लिए। बेसिकली जो शो होता है ना ये लेडी बॉय शो होता है। कैबरेट शो देखने के बाद हम लोग सीधा आ गए थे बांग्ला रोड एंड यहाँ पर स्ट्रीट फूड मार्केट बहुत अच्छी है। लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग होने वाला है ऑल अबाउट बेस्ट टूरिस्टिक प्लेसेस ऑफ फुकेट। आप लोग कैसे फुकेट में क्या क्या चीज़ें कवर अप कर सकते हैं, किस तरीके से अपनी आइटिनरी प्लान करें, प्लस आप लोग कैसे ट्रेवल कर सकते हैं इन अ बजट। तो इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं एंड सीक्वेंस वाइज चलते हैं कि कैसे कैसे आप क्या क्या चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। सिटी टूर करने के लिए हम लोग सोच रहे हैं सबसे पहले स्कूटी यहाँ से हायर कर लेते हैं। जो स्कूटी के प्राइजेज हैं वो है 200 थाई बाट फॉर अ डे, मतलब जिस टाइम पर आप लोग ले रहे हैं उसी टाइम पर आपको रिटर्न करनी पड़ती है। अगर आप दोपहर के 2 बजे ले रहे हैं तो आपको नेक्स्ट डे दोपहर के 2 बजे रिटर्न करनी पड़ेगी। एंड ये है गैसोलीन के चार्जेस, मतलब अगर आप 1 लीटर वाली बॉटल डलवाते हैं तो उसके लिए आपको 40 थाई बाट लगेगा, 3 डलवाते हैं तो 100 थाई बाट की यहाँ पर मिल जाएगी। एंड इसके लिए एक चीज़ है कि आप लोगों को ये एक मतलब आईडी प्रूफ के तौर पे आपसे आपका पासपोर्ट लेते हैं एंड दे विल रिटर्न इट टू यू जब आपसे इनकी स्कूटी वापस करेंगे। हम लोगों ने ब्लैक कलर की ये स्कूटी ली है, सन मोटर बाइक्स जो इनकी कंपनी है उसका ये नाम है। थोड़ा सा जो स्कूटी होती है उसकी एक वीडियो बना लेनी चाहिए ताकि अगर ये लोग बाद में आपको कुछ क्वेश्चन आप करें कि आपकी स्कूटी पे आपने ये कर दिया वो कर दिया तो ये लोग थोड़ा वो चीज़ की सरखपाई करते हैं। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू मेक अ वीडियो। हम लोग सबसे पहले लेकर चलते हैं आपको बिग बुद्धा टेम्पल जो कि मैप पे अभी शो कर रहा है 39 मिनट्स का रास्ता है यहाँ से एंड 22 मिनट्स लग जाएंगे। 39 मिनट्स का रास्ता है, 22 किलोमीटर्स है। सो चलते हैं सीधा बिग बुद्धा टेम्पल। वैसे तो आप सिटी टूर जो है वो आप बाय बस से भी कर सकते हो जिसमें वो सारी आपको बेस्ट बेस्ट लोकेशंस पर ले जाते हैं, लेकिन अगर आप दो जाने हो और थोड़ा अच्छे से इंजॉय करना चाहते हो, आसपास के व्यू को भी देखना चाहते हो, सिटी को भी एक्सप्लोर करना चाहते हो, सो बेस्ट रहता है कि आप लोग स्कूटी ले लें। दो जाने हैं तो उनके लिए भी एंड वैसे भी बहुत सही पड़ता है दो जानों के लिए। पीछे देखोगे ना, पीछे आपको ऐसे पहाड़ों वाली पूरी रेंज देखने को मिलेगी एंड फुकेट पूरी सिटी है ही जहाँ पर आपको ना मतलब हिल स्टेशन वाली वाइब आती है यहाँ पर आकर। बस वेदर थोड़ा और अच्छा हो जाए तो मज़ा आ जाएगा एंड इस टाइम पर धूप भी लग रही है, मैंने बाजू बाजू तो ऑलरेडी सब टैनिंग हो गई है। इनफैक्ट मुझे तो लगता है आज लेग्स में भी टैनिंग हो जाएगी। अब हम लोग धीरे धीरे जैसे थोड़ा सा पहाड़ी के ऊपर जा रहे हैं, जैसे अगर आप देखोगे ना आगे ऐसे ऐसे ऊँचा होता जा रहा है रास्ता। ओह वाह, एकदम वेदर अच्छा हो गया, अभी धूप भी है ना, अभी एकदम छाए हो गई है तो कितना मजा आ रहा है ना। आगे लेफ्ट लेती राइट से आप देखोगे पूरा समुंदर है। ओह वाह, जब 2 साल पहले हम लोग आए थे ना अपनी एनिवर्सरी बनाने फुकेट में तो तब इस टाइम पर ना बारिशों वाला मौसम होता था, मतलब अप्रैल के मंथ में ना हल्की हल्की बारिश गिरती थी, ठंडी ठंडी हवाएं चलती थी, धूप छांव वाला चीज रहती थी। बट अभी इस टाइम पर बारिश वाला तो कोई सीन नहीं लग रहा। एंड अगर आपको दिखाऊँ ना वो जो हिल के टॉप पर आप लोग देख रहे हैं ना, दैट इज़ द बिग बुद्धा। हम लोगों को वहाँ पर पहुँचना है बिल्कुल हाइट पर। तो आप सामने देख रहे हैं ना ये है कैरन बीच, बहुत सुंदर ये बीच बना हुआ है। ऊपर भी अभी वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ हो रही है जैसे कि पैरा सेलिंग हो रही है इस टाइम पर एंड लोग इस टाइम पर स्विमिंग वगैरह भी कर रहे हैं। एंड ये बीच इतना ज़्यादा क्राउडेड नहीं लग रहा इस टाइम पर जैसे कि पटोंग बीच जो होता है, बट अभी ये बीच थोड़ा खाली खाली सा लग रहा है। एंड ये कैरोन बीच वाला जो एरिया ना, कैरोन बीच एरिया के जो पास वाला एरिया, ये भी बहुत अच्छा मतलब पॉश एरिया में लग रहा है। ये कैरोन का शॉपिंग मॉल सा बना हुआ है ये जो आप सामने देख रहे हैं, मतलब बहुत डिसेंट सा लग रहा है एरिया ये वाला। इसी बीच के ऑपोजिट तरफ इस तरीके की ऐसे स्ट्रीट्स, मतलब यहाँ पर खाने पीने की कुछ चीज़ें बनी हुई हैं, शॉप्स वगैरह हैं यहाँ पर एंड इस टाइम पर भी काफ़ी टूरिस्ट देखने को मिल रहा है। Thank you.
पर ही सामने लिखा हुआ है कि कैरोन बीच आने वाला है। पहला ही दिन फुकेट का है एंड हम लोग अभी कैरोन जो कि यहाँ का एक जगह है वहाँ के पुलिस स्टेशन पर जा रहे हैं बिकॉज हम लोगों के साथ एक बहुत बुरी चीज़ हुई अभी। अगर आप लोग भी हमारे जैसे थाईलैंड घूमना चाहते हैं वो भी बजट में, तो जस्ट आपको एक सिंपल सा स्टेप फॉलो करना है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किए हुए लिंक पर जाकर क्लिक करना है, आस्क फॉर क्योर का एक ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पर आपको जस्ट बेसिक सी डिटेल्स फिल आउट करनी है। देन आपको गेट सेट योर की तरफ से एक्साइटिंग से पैकेजेस दिख जाएंगे जिन्हें आप अपने बजट के अकॉर्डिंग, अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी करवा सकते हैं। चले गौतम अब हजार बार का चलान कट गए यहाँ पे फुकट में। दिन की शुरुआत तो अच्छी नहीं बट कोई बात नहीं, ये होते रहते हैं। हम लोग बजट में ब्लॉग बना रहे थे और क्या हो गया। अभी तो हम लोग गौतम बुद्ध टेंपल पहुंचे ही नहीं कि उससे पहले हम लोगों को पुलिस वाले ने पकड़ लिया। हमें पहले समझ ही नहीं आया कि हमें रोका क्यों है एंड हमारा चलान काट दिया 1000 baht का, मतलब इस चक्कर में कि हम लोगों के पास इंटरनेशनल स्कूटी के लिए लाइसेंस नहीं था। एंड ये चीज़ हमें जब हम लोगों ने अभी एक घंटा पहले स्कूटी ली थी, हमें वो स्कूटी एजेंसी ने भी नहीं इस बारे में बताया था, जबकि उनको बताना चाहिए था। तो हम लोगों ने पुलिस वाले से बात करने की भी कोशिश करी कि वो हमें थोड़ा हमारा चलान काट दे, मतलब हमें इस टाइम के लिए हमें माफ़ कर दे कि हमें नहीं पता था ये चीज़। तो लेकिन वो माने नहीं, उन्होंने हमें सीधा पुलिस स्टेशन भेज दिया जो कि यहाँ का कैरोन पुलिस स्टेशन है। तो हम लोग वहाँ गए अंदर, गौतम ने बहुत बात करी पुलिस ऑफिसर को भी मनाने की कि वी आर एज अ टूरिस्ट, हम आज ही आए हैं, सो हमें प्लीज़ एक बार मतलब माफ़ी कर दो, वी विल बी रिटर्निंग द स्कूटी टुडे ओनली। लेकिन वो बिल्कुल ही माने और वो से बात कर रहा था कि मतलब ये तो सबसे मिनिमम है, आपके यहाँ पे एक मंथ की जेल भी हो सकती है, मैसेज में मतलब टाइप करके बता रहा था। डराने की कोशिश कर रहे थे, मतलब आपको पे करना ही होगा या आपको मतलब ऐसे जेल भी हो सकती है इसकी, मतलब जो यहाँ का लॉ कहता है। बट हमने कहा कि अगर क्या इन चक्करों में फंसना, 1000 baht की बात है, मतलब इंडियन करेंसी के हिसाब से देखो 2400 के अराउंड पड़ता है कुछ। 2500 लग गए एक चलान के लिए, कोई बात नहीं। बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें तो होती रहती है सेनोरिटा, ऐसे तुमने मुझे बोला था ना। बिग बुद्धा वो रहा सामने। मुझे ऐसा लग रहा है हम लोगों का कुछ कनेक्शन है बुद्धा जी के साथ, बिकॉज हम बहुत टाइम से बुद्धा जी के टेम्पल्स बार बार हम लोगों को देखने का मौका मिलता है, मज़ा तो बहुत आता है बिकॉज इतना पीसफुल लगता है ना उनके टेम्पल्स में जाके। नेपाल में भी हम लोगों ने बहुत टेम्पल्स देखे थे, वहाँ के व्लॉग्स बनाए थे अगर आप लोगों ने देखे हो। एंड इस बार भी हम थाईलैंड आए हैं तो भी हम बुद्धा जी के टेम्पल को देखने जा रहे हैं। एंड ये वाला एरिया तो ऐसा लग रहा है जैसे जिम कॉर्बेट जाते हैं ना, आसपास सिर्फ जंगल वाला एरिया होता है। सो वी हैव जस्ट रीच टू बिग बुद्धा टेम्पल, ये है पार्किंग एरिया जहाँ पर हमने अपनी मोटर बाइक पार्क करी है एंड यहाँ से चलते हैं सीधा ऊपर। और अमृत सेकंड टाइम, या दिस इज द सेकंड टाइम एंड आई थिंक यहाँ पर आकर विशेज ट्रू होती हैं बिकॉज गौतम ने सबसे पहली विश मांगी होगी कुछ, तो उसके बाद मैं गौतम के साथ आई, फिर हम लोगों ने एक विश मांगी लेकिन वो अभी पूरी नहीं हुई। हम पहले आ गए। एंड इस टेम्पल पर पहुंच के ना यहाँ का जो पूरा व्यू आता है ना, दैट इज़ जस्ट सो अमेजिंग, मतलब इतना प्यारा लग रहा है। अगर आप पीछे देखोगे ना तो पीछे पूरा इतना बड़ा समुंदर है एंड वहाँ पर बहुत सारी ऐसे शिप्स वगैरह एंड फेरीज खड़ी हुई हैं। थोड़ा सा आपको क्लोजअप में दिखाती हूँ, यू कैन सी द सिटी ऊपर से देखने में कितनी सुंदर लगती है, थोड़ा सा पहाड़ भी है बीच में, आपको यहाँ पर बीच भी दिख रहा है एंड छोटे छोटे से घर हैं। अगर आप अभी भी देखोगे ना इस टाइम पर भी कितने ज़्यादा टूरिस्ट आए हुए हैं, हर डे यहाँ पर थाउजेंड्स में लोग आते हैं यहाँ पर इसे विजिट करने के लिए, इस टेम्पल को। एंड यहाँ पर अगर आप लोग आओगे ना तो मेक श्योर करना कि थोड़े से प्रॉपरली कवर्ड वाले ही क्लोथ्स वेयर करो, बट लड़कों के लिए मैंने देखा उन्हें शॉर्ट्स वगैरह अलाउड हैं, वो लोग शॉर्ट्स में घूम रहे हैं, बट लड़कियों के लिए थोड़ा है कि उनको थोड़ा या तो नी लेंथ तक का वेयर करना है, उससे शॉर्ट नहीं। एंड ये जो आप लेडी देख रहे हैं ना, जब हम लोग पहले आए थे ना 2 साल पहले, तब भी यही लेडी ही मेडिटेशन करवा रही थी एंड स्टिल आज भी उन्हीं की क्लासेस चल रही हैं।
एंड जितना हाइट पर पहुंचा ना उतनी ठंडी ठंडी हवा भी अच्छी चलती है एंड वही हमें अभी लग रही है। मुझे तो वेदर बहुत प्यारा लग रहा है इस टाइम पर। एंड ये जो आप सब देख रहे हैं ना, ये सब लोगों ने अपनी अपनी विशेज लिख लिख कर यहाँ पर ऐसे बांधी हुई है कि उनकी विशेज ट्रू हो जाए। अभी इस टाइम ना यहाँ पर भी अभी भी कंस्ट्रक्शन चल रही है, ये देखोगे ना आप, यहाँ पर अभी रिक्लाइनिंग बुद्धा जी बन रहे हैं। लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे ना तो यहाँ पर बिल्कुल बुद्धा जी के स्टैचू के नीचे ही ना अंदर ये जो एरिया ना यहाँ पर एंट्री थी एंड यहीं पर ना वो मेडिटेशन क्लासेस चल रही थी, लेकिन अभी इन्होंने ना यहाँ पर ये वाला एरिया सब सील्ड कर दिया, मतलब बंद कर दिया। एंड स्टिल अभी पहले टाइम से और अब में बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन हो गई हैं, जैसे कि ये जितनी भी आप बुद्धा जी की पीछे जो मूर्तियाँ वगैरह देख रहे हैं और भी बहुत सारे यहाँ पर स्टैचूज पड़े हैं, ये चीज़ें पहले नहीं थी। बिग बुद्धा हमने फिर भी टाइम से पहले कवर अप कर लिया, अभी सिर्फ 5:30 हुए हैं, वैसे इसका क्लोजिंग टाइम था 6:30। एंड अब हम यहाँ से कहाँ जाने वाले हैं, वाटचलोंग, जो कि यहाँ से है 18 मिनट का रास्ता एंड 7.6 किलोमीटर, तो सीधा चलते हैं वहाँ पे और आपको वही जाके मिल जाए। बुद्धा टेम्पल से वापसी आते आते यहाँ पर एक स्पॉट था जहाँ पर आप लोग एलिफेंट्स को यहाँ पर फीडिंग वगैरह भी करवा सकते हैं, जैसे बनानास वगैरह आप लोग उनको खिला सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, वापसी में आते आते हमें यहाँ पर एक एलिफेंट सैंक्चुरी भी दिखी जहाँ पर आप लोग एलिफेंट्स वगैरह को फीडिंग वगैरह भी करवा सकते हैं, जैसे कि ये लोग यहाँ पर करवा रहे हैं। एंड यहाँ पर एलिफेंट राइड भी कर सकते हैं, जैसे मतलब ये नहीं कि छोटे बच्चे, इनफैक्ट बड़े लोग भी यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। एलिफेंट सेंचुरी में आप लोग काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जैसे कि एलिफेंट बाथिंग करवा सकते हैं, एलिफेंट फीडिंग करवा सकते हैं, एलिफेंट वॉकिंग आप लोग ले सकते हैं उसके ऊपर बैठकर, मतलब ओवरऑल आपका एक अच्छा टाइम स्पेंड भी हो जाएगा, एक गुड एक्सपीरियंस हो जाएगा। मतलब फॉरनर्स ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको ऐसे ट्रैकिंग, साइकिलिंग और ऐसे वॉकिंग करते हुए बहुत ज़्यादा दिखेंगे। ये जो टेम्पल है ये टॉप 29 इंपॉर्टेंट टेम्पल्स ऑफ बुद्धिस्ट में इसकी गिनती की जाती है। जो वाटचलोंग टेम्पल है ये चलोंग सब डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ऑफ फुकेट, एंड ये दो मोंग को डेडिकेट किया गया है जो कि यहाँ के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मोंग हैं, जिनमें से इनका नाम है लुआंग फो चांग एंड लुआंग फो चांग। 1876 में इन मॉन्क्स ने हेल्प करी थी चलोंग के सब डिस्ट्रिक्ट्स के लोगों को टू फाइट अगेंस्ट द चाइनीज रिबेलियन, एंड उन लोगों की मेडिसिनल हर्ब में भी हेल्प करी थी बिकॉज दे हैव अ गुड नॉलेज इन द हर्बल मेडिसिन। इस टेंपल की अगर आप आर्किटेक्चर देखोगे, इट इज़ सो ब्यूटिफुल, बिल्कुल गोल्डन पेंट के साथ, थोड़ा सा मिरर वर्क के साथ इन्होंने एम्बेलिशमेंट करी है। अंदर चल के मैं आपको थोड़ा टेम्पल दिखाती हूँ। जस्ट अभी अंदर से मैं बाहर आई हूँ टेम्पल को विजिट करके, अंदर आप देख रहे होंगे जो यहाँ के लोग हैं वो किस तरीके से यहाँ पर पूछते हैं, एंड आराम से शांति से वो लोग बैठे हुए हैं नीचे, इनके हाथ में भी कुछ स्टिक्स वगैरह थी जिनके साथ वो लोग कुछ इस तरीके से उसे रोटेट कर रहे थे, मुझे इतना नहीं पता लेकिन अंदर का माहौल बहुत अच्छा था। सभी बुद्धिस्ट टेम्पल्स के ना आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा सेम है यहाँ पर, जैसे इस तरीके का इनका जो पॉइंटेड ऊपर जो आग बनी हुई है ना, सब में इसी तरीके के टेम्पल्स में देखने को मिलती है। मतलब थाईलैंड एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर आपको यू विल मतलब इन्जॉय द ब्यूटीफुल बीचेस, मतलब आप आपको सैंडी बीचेस ये सब चीज़ें तो अच्छी लगेंगी, वाटर स्पोर्ट्स भी अच्छा लगेगा, बट एट द सेम टाइम आप लोग यहाँ पर टेम्पल्स के लिए भी विजिट कर सकते हैं, रिलीजियस प्लेस के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है, पार्टीज़ के लिए तो है ही है बट टेम्पल्स के लिए भी लोग यहाँ पर आते हैं। अगर आप पीछे देखोगे ना, वो है बिग बुद्धा टेम्पल जहाँ से हम लोग अभी सीधा आए हैं वाटचलोंग, वहाँ से यहाँ तक का जो रास्ता था वो था मैंने 7 किलोमीटर्स के आसपास, तो 15 मिनट लग गए हमें वहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। शाम का टाइम हो रहा है, 7:45 हो चुके हैं, अब चलते हैं आगे सीधा स्कूटी पर।
वट चलोंग से निकलने के बाद हम लोग आ गए थे सीधा सिमोन द कैबरेट शो देखने के लिए। एंड ये शो के जो टाइमिंग्स होते हैं वो कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी देर बाद यहाँ पर शोज होते रहते हैं। बेसिकली जो शो होता है ना, ये लेडी बॉय शो होता है, बहुत बढ़िया। ये लोग एक तरीके से यहाँ पर एंटरटेनमेंट शो होता है प्रॉपरली, यहाँ पर डांस वगैरह होता है, एक स्टोरी डिपिक्ट करते हैं, बहुत मज़ा आता है। लेकिन हम लोगों ने अभी चलकर यहाँ के टिकट्स के टाइम पूछे कि क्या प्राइस रेट है। सो यहाँ का जो टिकट का प्राइस रेट है फॉर एडल्ट वो है 800 थाई बाट। अगर आप लोग VIP पास लेना चाहते हैं, मतलब अच्छी सी सिटिंग देखना चाहते हैं पास के, तो उसके जो टाइमिंग वो उसके जो प्राइसेस हैं वो है 1000 थाई बाट। बट एक चीज़ हमें जस्ट अभी उन्होंने बताई कि अंदर जाकर ना फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो मैं आप लोगों को मतलब अंदर जाके वीडियो नहीं शूट कर पाऊँगी, लेकिन थोड़ा सा जस्ट एक क्लिप एड ऑन कर देती हूँ कि आप लोगों को पता लग जाए कि एग्जैक्टली अंदर किस तरीके का शो होता है। डेफिनेटली आप लोग अपनी आइटनरी के अंदर इस चीज़ को भी इंक्लूड कर सकते हैं, आप लोग फैमिली के साथ भी आ सकते हैं इस चीज़ ऐसे शोज को देखने के लिए। एंड ये जितने भी मैंने आपको टूरिस्टिक प्लेसेस बताए हैं ये सब आपको एक ही रूट पर पड़ेगा, आप इन सबको एक ही दिन में साथ साथ में कवर अप कर सकते हैं। गौतम थके तो नहीं आप स्कूटी चला के? नो नियत कर रहा शो। कैबरेट शो देखने के बाद हम लोग सीधा आ गए थे बांग्ला रोड। एंड यहाँ पर स्ट्रीट फूड मार्केट बहुत अच्छी है, सो हम लोगों ने सोचा यहाँ पर बैठ के थोड़ा सा यहाँ पर स्नैक्स खा लेते हैं। इसका जो पूरे मार्केट का तो टूर मैं आपको अलग से ब्लॉग के अंदर दूंगी ताकि आप लोग भी अच्छे से देख सको। एंड आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो, जिसके अंदर मैंने आपको फुल ऑन बताया कि आप लोग कैसे कैसे अपनी आइटनरी कैसे घूम सकते हैं, क्या क्या चीज़ें कवर अप कर सकते हैं। एंड मेनी मोर ब्लॉग्स आर कमिंग अप फॉर यू, स्टे ट्यून्ड गाइस, मिलेंगे आपसे जल्दी आपकी वीडियो में। टिल देन बाय।